भाई बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर है, तो भाई गर्मी के तेवर देख बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रही है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए पूरे कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड आ रहा है। इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखे सहारा लिया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है, और जिसके कारण जो हमारा विद्युत भार में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कहीं कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारियाँ थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएँ हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अवेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में, और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में।